नेक्स्ट किड स्टॉक रस, बच्चों का प्रोडक्ट। देखिए बच्चों की जरूरतें जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट एस बनाया गया। और बच्चों की शारीरिक क्रिया जो है आज ज्यादा गड़बड़ चल रही है, हमारे बच्चों की सोचने समझने की शक्ति डिक्रीज हो रही है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है। क्यों हो रही है उस पर अगर हम बात करने बैठेंगे तो बाकी के प्रोडक्ट छूट जाएंगे। ज्यादातर मेन कारण होता है न्यूट्रिशन, और ज्यादातर होता है कि अगर वो गर्भ में थे मदर के और उस समय पोषण नहीं मिला तो उसके वजह से भी। तो एक आप जो हम लोग की प्रॉब्लम रहती है कि भाई बच्चा बड़ा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है। देखिए एक बच्चे की जब मानसिक विकास होगा तो वो सब कुछ करेगा, और नहीं होगा तो आप कुछ भी करो कुछ भी नहीं होगा। किड्स टॉक के अंदर कुछ चीजें पड़ी होती हैं जैसे ब्राह्मी संपुष्पी, ये सभी मानसिक विकास को बढ़ाती है। इसके बाद आए दिन बच्चों की जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को आप देखेंगे उनको खांसी बहुत रहती है, कई बार बच्चों को निमोनिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कफ बिगड़ा रहता है हमेशा, थोड़ा सा सर्दी हुआ कफ बिगड़ जाता है। तो इसमें आपका तुलसी सौंठ गिलोय काली मिर्च ये हमारे बच्चों के लंग्स मजबूत करते हैं जिससे थोड़ा अंदर से इम्यूनिटी डेवलप हो। अश्वगंधा है ताकत मेंटेन रखेगा, और इसमें जो है फाइटर आपका पाचन क्रिया, क्योंकि बच्चों का खाना वगैरह भी बड़ा गड़बड़ सा है। खाने के लिए मैं देखता हूँ मदर लोग एक ही घंटा लगाते हैं पीछे पीछे लेके घूमते रहते हैं। भाई जब उसको भूख लगे खुद ही खा लेगा, लेकिन वो भूख लगे कैसे, तो पाचन क्रिया सही होनी चाहिए। सो ये किड स्टॉक रस है और हर बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट है, हर बच्चों को हम दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को। किड स्टॉक रस को फाइटर आप अपना कह लीजिए कि 10 ml खाने के 1 घंटे बाद, 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml दीजिएगा, और 5 से 10 साल के बच्चों के लिए आप इसे कितना दे देंगे फाइटर, इसको आप 10 ml दे देंगे, कोई भी बच्चा ले सकता है। और बाकी जो है किड्स टॉक रस हमारा कंप्लीट होता है। तो एक तरह से बच्चों की जरूरत है, और 10 साल बाद जो है अगर 10 साल से आप तक के बच्चों को दे रहे हैं तो आप देखिएगा परफॉर्मेंस, उसके बाद तो ग्रोथ अलग ही हो जाता है। और हाँ एक चीज और भी है, जैसे कोई बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि थोड़ा किड्स टॉक देना चाहिए, तो 2-3 महीना देके 1 महीना स्टॉप कर दीजिएगा, फिर 2-3 महीना दीजिए, और किसी को समस्या उसको तो आप कंटिन्यू करिए, इस तरीके से दे दीजिएगा। क्योंकि जब बच्चा इसको लेता है तो उसकी पूरी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, तो कई बार उसका डाइट वगैरह ज्यादा होता है, फिर खाने पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो वेट बढ़ जाएगी। तो ये चीज थोड़ा सा हमें मेंटेन करना पड़ता है, ये चीजें हमने देखी अपना, कई बार ऐसे कंप्लेन या शिकायत रहती है हम लोग के पास, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।